है और आप लोगों की मांग है, सरकार सुन रही है। देखिए, आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पर। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियंस और आत्मा झंझोड़ी गई है और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पर चर्चा कराए। और मैं खास तौर पर केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था। ट्वीट करके उन्होंने खुद कहा था उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, सेज प्राइम मिनिस्टर। ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आह्वान देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आएं, इस पर बयान दें और चर्चा कराएं। पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर जैसे जल रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। फिर भी अगर राज्य की सुरक्षा की, देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर में ये हालात हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं, इस प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, जो बता रहे हैं कि राज्य में अब कुछ बचा ही नहीं, उस स्थिति में भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही और वो बहस कराने से भाग रही है। ये बहुत दुखद है। मैं चाहूंगा कि आज हम सबका और मेरा भी जो रूल 267 का नोटिस है उसका संज्ञान लेते हुए आज से ही मणिपुर पे बहस शुरू हो और मणिपुर में जल्द से जल्द एक डिसक्रेडिटेड सरकार जो है बीजेपी की राज्य में, उसे बर्खास्त किया जाए, उन्हें कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। Subscribe to One India channel and never miss an update.